हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सादा ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो कपड़े की ओपन साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे। और दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से ब्लाउज की कटिंग करी है। तो यहाँ पर हमारी ब्लाउज की तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है काज और बटन की पट्टी के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे, तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे, तो शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 3 इंच, तो 3 इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ से आर्महोल की लंबाई नापेंगे, तो आर्महोल की लंबाई हमें 6 इंच रखनी है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे। और 1 इंच पर हमें आर्महोल की गोलाई करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमें सीने का चौथाई भाग लेना होता है, ठीक है। तो सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है, तो 34 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 17 इंच। और 17 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8.5 इंच, तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कमर की चौड़ाई नापेंगे, तो कमर की चौड़ाई भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो कमर की चौड़ाई हमारी 32 इंच है, तो 32 को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 16 इंच। और 16 इंच को आधा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेना है। फिर हम यहाँ पर दोनों निशान को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है, तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगा लेते हैं। इस तरह से अंजाद से निशान लगा लेंगे, ठीक है। वैसे तो मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई हैं कि प्लेट का निशान कैसे लगाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरे पल्ले पर भी इस तरह से निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले पर भी निशान लगा लिए हैं। यहाँ पर हमें दोबारा से निशान लगा लेने हैं, इससे निशान हमारे अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है, तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी कपड़े की बंद साइड है उसको हम अपनी तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हमें आगे वाले पल्ले को रख लेना है, ठीक है। जो हमारा 1/2 इंच का मार्जिन है उसको हम बाहर की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर हमें सेम निशान लगाना है। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्महोल की गोलाई 1 इंच रखी है, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्महोल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। देखिए यहाँ पर हमने आर्महोल की गोलाई 1 इंच रखी है। फिर हम यहाँ पर 1/2 इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें 1/2 इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है, ठीक है। और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे, तो गले की लंबाई हम रखेंगे 9 इंच, जिसमें हमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हमें 9.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे।
तो यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई लेनी है 5.5 इंच और लंबाई लेनी है 4 इंच। तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और कट लगा देना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं 4 इंच पर। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है और यहाँ पर कपड़े को सीधा कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ से बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेना है ऊपर बाजू सिलने के लिए। तो 4.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और बाजू की हमारी मोरी 12 इंच है। तो 12 को आधा करेंगे तो यहाँ पर हमें 6 इंच पर निशान लगाना है और ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। यहीं से बाजू की गुलाई करेंगे और यहाँ पर हमें बाजू की चौड़ाई 8 इंच रखनी है। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड 1/2 इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देंगे। ध्यान रखना है कि जो हमारा कट है वो आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े में से और ये भी पट्टी निकाल लेते हैं 1.5 या 2 इंच चौड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने और भी पट्टी को भी कटिंग कर लिया है और इस तरह से हमारा सादा ब्लाउज की कटिंग हो गई है और इसकी सिलाई की वीडियो हम अलग से बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।